सो गाइस, तो आप भी जॉब तलाश कर रहे हैं दुबई के अंदर, तो इस वीडियो में मैं आपको 5 स्किल्स, वो कौन से 5 स्किल्स हैं, 5 एक्सपीरियंस जो आपको दुबई के अंदर इजीली जॉब दिला सकते हैं, तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, सिंपल जेन्युइन बात बताने वाला हूँ। दुबई के अंदर हूँ ऑलरेडी, तो मैंने सोचा शायद कुछ कमेंट्स आ रहे थे, मैंने बोला शायद मैं इनको एक बार कम्प्लीटली पूरी वीडियो में बता दूं, समझा दूं कि कैसे कौन सा एक्सपीरियंस होना चाहिए और कैसे आना है दुबई। तो सिंपली अगर गाइस नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, यहाँ पर मैं कॉफी से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो लेट्स गेट द स्टार्ट वीडियो। सो गाइस, अगर आप भी आना चाह रहे हैं दुबई के अंदर, तो वो पांच कौन से स्किल्स हैं, सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा आपसे गाइस, सबसे पहला स्किल्स है केशियर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है केशियर का, या कहीं पे आपने केशियर किया हो, केशियर को हैंडलिंग करना, नोटों को गिनना, हिसाब लगाना, कैलकुलेटिंग करना, अगर ये एक्सपीरियंस है आपके पास, बेसिक इंग्लिश है, तो आपको इजीली जॉब भी मिल जाएगी और आप कम से कम 3,000 से 3,500 दिरहम दुबई के अंदर कमा सकते हैं। नंबर दो, हेल्पर, किसी भी चीज का हेल्पर है, चाहे वो रेस्टोरेंट में हो, चाहे वो कैफे में हो, या किसी बिल्डिंग में हो, चाहे किसी कैफेटेरिया में हो, अगर हेल्पर किचन के अंदर है, कहीं भी है, किसी भी काम में कर रहा है, तो हेल्पर वो हेल्पर उसके लिए है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है और वो एज अ फ्रेशर आना चाहता है, तो वो किसी भी एजेंट के थ्रू आ सकता है और इजीली उसको जॉब मिल सकती है। उसकी सैलरी स्टार्ट होती है 1200 से 1500 दिरहम तक। नंबर तीन, बरिस्टा कॉफी मेकर। बरिस्टा कॉफी मेकर, अगर आप इंडिया से विदेश आना चाहते हैं, दुबई आना चाहते हैं और अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, कॉफी लाइन में आकर प्रोफेशनल बरिस्टा बनना चाहते हैं, तो आपको इंडिया के अंदर एटलीस्ट 6 मंथ से 1 साल तक का एक्सपीरियंस ले लें, और आप अपने जो एजेंट है, एजेंट के थ्रू आप वीजा लगा रहे हैं तो एजेंट के थ्रू लगा लें, या फिर आप ऑनलाइन जो एप्लीकेशन इंडीड हो गई, लिंक्डइन हो गई, बहुत सारी इंटरनेट पर लोड आईडी हैं, और आप अपनी आईडी बनाकर वहां से भी किसी जेन्युइन बंदे से कांटेक्ट करना होगा, जिससे इजीली वो आपको रेफर करे और आपको बुला ले वीजा देकर भी, तो ये तुम्हारे लिए बेटर होगा। लेकिन तो एक ऑप्शन है लास्ट वाला, वो एजेंट के थ्रू जाना, एक 2 लाख रुपए लगा के भेज देगा। सबसे अच्छा है नंबर तीन हो गया ये, क्योंकि वरिष्ठा के अंदर 3,000 से 3,500, 4,000, 5,000 तक का आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं एक बार आ गई तो। उसके बाद है नंबर फोर, बार्बर शॉप, सैलून का। भाई ऐसा कोई बंदा नहीं है, फ्रेशर में नहीं भी आएगा ना, तो 1 साल का 1.5 साल का इंडिया पाकिस्तान में जहां भी है वो एक्सपीरियंस ले जाए अगर आपको पैसा कमाना। बहुत ज्यादा यहाँ पर बार्बर शॉप में भी, एक बार्बर शॉप में भी 2,000 से 2,500 आपको सैलरी मिल जाएगी, लेकिन आपको एक पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और सिर्फ एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको इतने रुपए कमाने से दुबई के अंदर। सबसे लास्ट है सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड के अंदर आई थिंक 5.5 इतनी हाइट होनी चाहिए और आपको एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप सिक्योरिटी गार्ड में पहुंच जाए और इजीली आपकी हायरिंग हो जाए, आपको किसी भी चीज का फेस नहीं करना पड़े, और आपको जब ज्वाइनिंग होगी गाइस, तो इसमें इजीली आपको 2,000 से 2,500 दिरहम आपको इजीली मिल जाएंगे। ड्यूटी होती है कंपनी की 9 से 10 घंटे भी होती है, 8 घंटे भी होती है, कंपनियों का अपने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ड्यूटी तय करती है कंपनी, वो उसके हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये 5 स्किल्स है, अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आप इजीली यहाँ पर आ जाओ और दुबई करो। सो गाइस, अगर दुबई से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर करना है तो मैं डेफिनेटली आपको आंसर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।